पट्टी ओपी अंतर्गत मुरिया पंचायत में सूचना प्राप्त हुई कि मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। इमीडिएटली बरिया पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन मंडल पदाधिकारी अधिकारी पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम ड्यू था सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। जो ये बाद का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है, कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी दो मूर्ति, ये भी सूचना थी कि दो जो ट्रैक्टर पे मूर्तियाँ थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी, उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी की सूचना थी जो मूर्ति घुमाने के दौरान दो मूर्ति जब टर्न ले ली और तो ये बात आई कि पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके सेट वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है, ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। इसको हम लोग चिन्हित करेंगे कि कौन लोग ये काम किए हैं और जो लोग भी किए होंगे प्रशासन और कानून से बढ़ के कोई नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहाँ संदेश भी देना चाहूँगा सभी लोगों को कि सद्भाव के साथ पर्व त्यौहार सब लोग मनाते हैं लेकिन इस प्रकार की घटना से माहौल बिगड़ता है और आपस का जो विश्वास है वो भी कम होता है। लोग जख्मी है सर, तेजाब भी फेंकने की बात आ रही है जो वीडियो है उनके ऊपर। हम लोगों से देखे हैं यदि लोग स्थानीय हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, कुछ चोटें मामूली आई हैं बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। भागने के दौरान जो पत्थर चला है उसके दौरान कुछ सामान्य नागरिकों में भी आपस में जब ये हुआ है तो बहुत मामूली है। हम लोग एम्बुलेंस भी मंगाए हुए हैं बट कोई भी हॉस्पिटल जाने वाला मामला नहीं आया है कि किसी को हॉस्पिटल भेजना पड़े। छोड़ दिया क्या? On Thursday, February 15th, an Hindu procession carrying a Saraswati idol for immersion in the Darbhanga district of Bihar was attacked while passing through a Kasai Mohalla. The mob pelted stones, stole from their houses nearby, vandalized the area and broke up the pieces of the Saraswati idol. The Hindu procession was being carried out to mark the festival of Basant Panchami on 14th February. Half a dozen houses were ransacked when the mob looted the houses during the chaos. Darbhanga DM Rajiv and SSP Jadunath Reddy rushed to the spot as soon as the incidents were reported. The administration deployed heavy security to establish peace in the area. According to reports, Hindus were peacefully going for idol immersion in the Tarasai Murai Tola. Suddenly, some people started pelting stones while passing to Kasai Mohalla, which is a Muslim-dominated area. As soon as the stones were thrown, the matter worsened and the clash erupted. The miscreants damaged the Saraswati idol. Not only this, they vandalized many houses of local villages. A similar attack was also happened before on 22nd January when stones were pelted on Sri Ram Shobha Yatra at that time. The Darbhanga SSP Jadunath Reddy said because of the incident, the situation has been brought under control with a large number of BMP district police and staff of several other police stations. The idols were immersed. Many people suffered injury due to